सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M21 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M21 16 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M21 के टॉप 5 फीचर्स जिसके कारण आपको यह स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। डेफिनेटली इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है ना वही एक फीचर्स यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यह स्मार्टफोन की प्राइसिंग लगभग 12,000 से नीचे रहने वाला है, यानी कि लगभग 12,000 इस फोन की बेस वेरियंट के यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकता है। तो उस प्राइस को देखते हुए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर सैमसंग वाले आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 फीचर्स बताऊंगा। डेफिनेटली आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 बाय करना चाहिए इन्हीं फीचर्स की वजह से। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। इन्फिनिटी यू शेप में आप लोगों को वाटर ड्रॉप डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नो डाउट इस प्राइस कैटेगरी में आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलना ही एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। साथ में आप लोगों को इन्फिनिटी यू शेप में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल किए हैं उनको पता है कि जो कलर्स है वो कितने कमाल के यहाँ पर देखने को लगता है। तो जो लोग 12,000 में एक अच्छा खासा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देख रहे थे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये चीज़ हो सकता है। सेकंड चीज़ की बात करते तो इस फोन का बैटरी लाइफ, 12,000 के प्राइस कैटेगरी में आप लोगों को 6,000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। 6,000 mAh की बैटरी लगभग अगर आप एकदम लगातार भी यूज़ करेंगे ना तो लगभग 8 से 10 घंटा ये स्मार्टफोन कंटिन्यूसली चलने ही वाला है। तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर बैटरी के लिए भी मिलने वाला है। तो अगर आप लोग 12,000 में भी कोई अच्छा खासा बैटरी वाला स्मार्टफोन देख रहे थे तो सैमसंग गैलेक्सी M21 काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। थर्ड चीज़ की बात करते हैं इस फोन का कैमरा, 12,000 के प्राइस कैटेगरी को देखते हुए आपको 48 MP का यहाँ पर कैमरा मिलेगा। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है और 20 MP का आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो कैमरा भी इस स्मार्टफोन का काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। चौथे फीचर्स की बात करें तो इस फोन का चिपसेट, हालांकि ये चिपसेट सैमसंग के आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा लेकिन उस फोन की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। सैमसंग गैलेक्सी A51 में भी आपको सेम यही चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि है एक्जोनस का 9611, लेकिन वो स्मार्टफोन आता है लगभग 24,000 रुपीस में और ये स्मार्टफोन उससे हाफ प्राइसिंग यानी कि 12,000 रुपीस में सैमसंग गैलेक्सी M21 आएगा और इसमें आपको सेम वही चिपसेट मिल रहा है। तो 12,000 के प्राइस कैटेगरी से देखते हुए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा चिपसेट है। आपको काफ़ी मतलब जो भी आप काम करेंगे डेली टू डे यूजेस में और हल्का गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। हल्का गेमिंग ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 nm के ऊपर बना हुआ है तो काफ़ी एफिशिएंट है, ज़्यादा बैटरी ये हंगरी नहीं है तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाता है और कम nm के वजह से यहाँ पर आपका स्मार्टफोन हीट भी कम होगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाँचवें फीचर्स की बात करें तो इस फोन की प्राइसिंग, इस फोन में आपको ये फ़ोन आपको मिलेगा लगभग 12,000 रुपीस में। जी हाँ, 12,000 या फिर 11,500 उस प्राइस में आपको इतना सारा जो फीचर्स दे रहा है ना सैमसंग, मेरे ख्याल से ये काफ़ी कमाल का है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ब्रांड आपको इतना अच्छा फीचर्स 12,000 में दे रहा है। नो डाउट रियलमी दे रहा है, लेकिन जो सैमसंग के फैन है, अगर सैमसंग का स्मार्टफोन उस प्राइस कैटेगरी में लोग अच्छा खोज रहे थे तो उनके लिए सैमसंग गैलेक्सी M21 एक किलर डील यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि सैमसंग गैलेक्सी M30s यहाँ पर लोग बाय करेंगे, क्योंकि सैमसंग का M30s की जो प्राइसिंग है उसे सैमसंग ने थोड़ा बढ़ा दिया है। एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है 4GB 128GB और अब सैमसंग गैलेक्सी M30s स्टार्ट होता है 15,000 रुपीज़ से। तो मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी M21 12,000 के प्राइस कैटेगरी में सैमसंग का ही नहीं बल्कि उस प्राइस कैटेगरी में जितने भी स्मार्टफोन है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ये बन सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।